बालाघाट से बैयर मार्ग पर बंजारी के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई तो वहीं तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यूरिया खाद से भरा ट्रक बालाघाट से बैयर की ओर जा रहा था, तभी बंजारी के पास टर्निंग में वह अनियंत्रित हो गया और मोटरसाइकिल चालकों को अपनी चपेट में लेते हुए पलट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैयर से बालाघाट पहुंच मार्ग पर बंजारी के समीप घाटी में एक रासायनिक खाद से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने के कारण उसकी चपेट में आने से ग्राम चीनी निवासी शिक्षक पुरुषोत्तम टेमरे एवं उसकी 7 वर्षीय पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसका परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। इसके अलावा ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से उसकी चपेट में अन्य और भी लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना बंजारी में होना बताया जा रहा है, जहां खतरनाक घाटी में सड़क के किनारे मशरूम बेच रहे लोगों के किनारे मृतक अपने परिवार के साथ खड़ा था, साथ में अन्य लोग भी खड़े थे। विपरीत दिशा से आ रहे रासायनिक खाद से भरे ट्रक के अचानक अनियंत्रित हो जाने से वह उसी जगह पलट गया, जिसकी चपेट में उक्त लोग आ गए और यह गंभीर हादसा घटित हो गया। यह करवाओ कि वो साले को वहां से अलग करना है, क्योंकि रोड जाम हो रहा है ना। हां, और ये बोरिया कुछ कैसी होगी, गाड़ी एक और है उधर सामने भी। हां, तीन गाड़ी है, गाड़ी ट्रक अलग हो गया, ढांचा अलग फेंका गया। तीन गाड़ी चपेट में इसमें 4 लोग थे, जिसमें कि 2 लोग बच गए हैं, 2 लोग खत्म हो गए। पर हम मेरे पिताजी पीछे से आ रहे थे और मैं सामने सामने जा रहा था, तो पिताजी गाड़ी से स्लिप खा के गिर गए पीछे, तो मैं गाड़ी खड़ी करके सामने गाड़ी खड़ी करके उनको उठाने के लिए आया। अब उसके साथ यहाँ पर 2 बाइक पहले से खड़ी थी, फेरी वेरी ले रहे थे हम लोग, तो वो लोग भी आए हेल्प करने के लिए, उठाने के लिए। और उसके बाद पानी वानी पिलाए उठाए, उसके बाद सब गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगे, तो एक बच्ची और उनका पिताजी वो पहले गाड़ी में जाके बैठ गए, और उनकी जो मिसेज थी और एक बच्चा था वो पीछे से जा रहे थे। तो जैसे यहाँ से ट्रक आया है ना, टर्निंग लिया, तो कट कट की आवाज़ आई पलटने के लिए, तो वो पीछे के पीछे भाग के आए और कुछ लोग भाग गए, और जो गाड़ी में बैठे हुए थे बच्चे और उनका पिताजी, वो वहीं के वहीं रह गए। वो